डिगबो रिफाइनरी सारा भारत को तेल देता था, जो आज ये रिफाइनरी को बोलता है बाजार नहीं है, इसी दुख की बात और नहीं है। तनख्वाह नहीं है, मिनिमम वेज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। बाकी तो हमारे यहाँ आगे बंधु ने तो बोला है कि वो पीएफ ग्रेच्युटी वगैरह से बोला वो हम बीज दे रहे, आज का दिन में नहीं मिल रहा। आज का दिन में पेट्रोल का भाव 100 रुपया हो गया, लेकिन हमारा लेबर का रेट 100 रुपया तय नहीं हुआ। और हम चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल से हो, क्योंकि आईएलओ जो बोला है कि हर दिन का 600 रुपया हजिरा, दैट इज 18,000। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुखिया है खुद प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी सम्मति दिया, उसके बावजूद भी जो मुखिया जो सम्मति दिया वो सम्मति भी अभी तक लागू नहीं। हमारे यहाँ जो पीएफ डिडक्शन कर रहे हैं, पीएफ डिडक्शन करके कुछ पैसा जमा होता है, बाकी पैसा जमा नहीं होता है, और पीएफ विड्रॉ करने जाने पर, पीएफ जब आते टर्मिनेट हो जाता है, विड्रॉ करने जाने पर उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज हम लोग काम हो गया, काम नहीं है, निकल जाओ, कुछ नहीं है, निकल गया 10 साल 20 साल 30 साल लग गया, हम लोग का कुछ नहीं है, कुछ पेमेंट का पेंशन का नाम से कुछ नहीं है, या हम लोग का कोई नौकरी का कोई साबित सिक्योरिटी नहीं है। मेरा यहाँ आने का लक्ष्य आपकी जो आवाज है उसको सुनने का, आपके दिल में जो है उसको समझने का। देश में हम दो हमारी दो की सरकार चल रही है, और एक आइडिया फैलाया गया है कि सरकारी जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो एफिशिएंट होता है। तो ये जो यूनिफॉर्म आइडिया कि भैया प्राइवेट सेक्टर अच्छा है पब्लिक सेक्टर खराब है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की मदद नहीं करोगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो फिर वो पब्लिक सेक्टर काम कैसे करेगा। तो ये कृषि पर आक्रमण कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण कर रहे हैं, शिक्षा पे स्वास्थ्य पे आक्रमण कर रहे हैं। आप आज अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहो प्राइवेट स्कूल में भेजो, तो ये डायरेक्शन ही बिल्कुल गलत जा रहा है। एक वर्कर को आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, दूसरे वर्कर को कम पैसा दे रहे हो, एक को प्रोटेक्शन दे रहे हो दूसरे को कम प्रोटेक्शन दे रहे हो, या प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, अन्याय। इसका मतलब कोई शब्द ही नहीं है। और ये तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखो, और जब उनको हटाना चाहो हटा दो, जब उनको मारना चाहो दबाना चाहो दबा दो, कोई पूछेगा नहीं। देश में रोजगार कौन देता है? देश में रोजगार छोटे बिजनेस देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस देते हैं, आप जैसी कंपनीज देती हैं, किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है। और इन सब पर नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण किया है, पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी की, और लक्ष्य इसका क्या है कि पूरा का पूरा, जैसे पहले यहाँ पे अंग्रेज राज करते थे, पूरा का पूरा 2-3 लोगों को पकड़ा दो, और जो वर्कर है उसको बिल्कुल वनरेबल कर दो, उसको बिल्कुल कमजोर कर दो, उसको दबा दो। मगर हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े होके जो आपको हक मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूर दूर से आए, आपने बहुत अच्छी तरह अपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हमारे डिगबॉय पे जो राहुल गांधी जी आए, हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन वर्कर के हमको मन की बात सुने, हमें बहुत ही अच्छा लगा। जो हमने प्रॉब्लम बोला वो शायद आगे जाके सॉल्व कर दे, हम यही चाहते हैं। आज तो कोई नहीं आया था हम लोग को बात सुनने के लिए। राहुल गांधी जी हम लोग को डिगबॉय में आया है, और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा है, और इसके लिए धन्यवाद।